वजह चाहे कुछ भी हो, मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। मैं शराब नहीं पीऊंगा, वादा। थैंक्स। मगर मेरी एक शर्त है कशिश, तुम्हें हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहना होगा, मेरे आसपास। सुजन, तुम ये 24 घंटे, अगर 24 घंटों से ज्यादा तुम मेरी नजरों से दूर रही तो मैं अपना वादा तोड़ूंगा। तुम होश में तो हो सुजन, मैं किसी और की पत्नी हूँ। 24 घंटे बकवास मत करो सुजन, तुम जो चाहते हो होना नामुमकिन है। नामुमकिन? जिसने सारी जिंदगी मेरे साथ रहने का वादा किया था, आज वो मेरे सामने ही नहीं रह सकती। क्यों कशिश? क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने का वादा किया था वो किसी और की पत्नी नहीं थी, और आज जिसे तुम अपनी नजरों के सामने चाहते हो वो अब किसी और की पत्नी है। सुजन, धर्म पत्नी, ये कभी मत भूलना। जो इंसान सारे रिश्तों को भुला चुका हो, जो ये भूल चुका हो कि तुम्हारे बिना उसके जीने की वजह क्या है, तुम उसे ये याद दिलाना चाहती हो कि तुम किसी और की पत्नी हो, धर्म पत्नी, जो तुम्हारे सिवा सब कुछ भूल चुका हो, वो ये बात कैसे याद रखेगा? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कशिश, तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी या नहीं? तुम्हारा मुझसे दूर होना मुझे शराब के करीब ले जाएगा। तुम्हारे जो मन में आए तुम करो सुजन, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये नहीं पूछा कि किसी को फर्क पड़ता है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं। हाँ, मुझे फर्क पड़ता है, और फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी ये हरकतें घर के उन लोगों पर असर डालती हैं जो मेरे अपने हैं, जिनकी मुझे परवाह है, और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। सुजन, बिखरे बिखरे हैं अरमां, सारे सपने हैं रूठे, कि आज से भरोसा वही धागे हैं टूटे, दर्द कैसे ये सहूं, ओ चुप भी कैसे मैं रहूं, ये नहीं बात जरा सी। बैठो। आज घर पर कमाल का खाना बना था, सोचा तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं, खाओगे ना? ऑफ कोर्स, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे साथ खाना खाओगे। श्योर। छोले तुम्हें पसंद है ना? हाँ बहुत। तो खाओ। ये खाना कशिश दी ने बनाया है ना? हाँ, खास तुम्हारे लिए। हे महक, क्या हुआ? पता नहीं घर पर वो लोग मुझे याद कर भी रहे होंगे या नहीं। They all miss you a lot. And don't worry. तुम बहुत जल्द वापस अपने घर में होगी। Thanks Varun. Thanks for what? Thanks for everything. And thanks for the food. मैं प्लेट लेके आता हूँ। मैं तुम्हें वापस लेने के लिए कब आऊं? अभी तो हम पहुंचे भी नहीं और आप मेरे वापस आने की बात कर रहे हैं। कब आ जाओ? कल शाम तक आ जाना। अगर कल सुबह आ जाऊं तो? सुबह तो आपको ऑफिस जाना होगा ना? नहीं, मैं सोच रहा था कि कल छुट्टी ले लो। छुट्टी? लेकिन क्यों? ऐसे सोच रहा था कि घर में रहूं तुम्हारे साथ। I'm going to miss you, Kashish. Aye, hi, Jiju. Hi, Didi.
मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। Hi, Didi. Hi, how are you? I'm fine, how are you? Fine. Hi, Molly. Hi, Didi. Fine. How are you? तुम लोग अकेले ही उनसे मिलोगी, अंदर भी अंदर की। चलो, चलो, चलो। खुश रहो। पापा। पापा, ये आपके लिए। अरे। और ये मॉली के लिए। Thank you. And this is for Charu and Kanan. Thank you. Kanan जब वापस आए तो उसे दे देना। अरे पर इतना सब लाने की क्या जरूरत है? कहाँ ज्यादा लाया हूँ पापा। मुझे तो ये डर लग रहा था कि पता नहीं आप लोगों को मेरे गिफ्ट्स पसंद भी आएंगे या नहीं। हमें तो अपना गिफ्ट पसंद है, आप बताइए आपको हमारा गिफ्ट पसंद है कि नहीं? हमारी दी कैसी लगी? फंसे यानी फंसे। जी जी जी, चलिए अंदर चलिए, मैं अच्छी कॉफी पिलाऊंगी आपको। नहीं अभी नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, मैं चलता हूँ। लेकिन ऐसे कैसे? पापा मैं कराऊंगा। लेकिन जीजू, मुझे मालूम है तुम्हें अपनी दीदी के साथ बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए मैं चलता हूँ। ओके 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 पापा, बाय। टेक केयर। आपको बहुत सारी बातें करनी है। ये देखो, ये उस दिन की है जिस दिन हम तुम्हें हॉस्पिटल से घर लेकर आए थे। कितने खुश थे उस दिन सब लोग घर में, दिवाली मन रही थी हमारे घर में। ये देखो, तुम सब पहले साथ में हो, पार्क मिली थी फुलियाद, तुम लोग सब एक छोटी सी दीवार पर चढ़ गई थी ऊपर। और फिर महक वहां से गिर गई थी, है ना पापा? पापा, एल्बम बंद करने से मैं की यादें तो खत्म नहीं हो जाएंगी ना। मैं जानती हूँ पापा, आप मैं को बहुत मिस करते हैं। याद उसे किया जाता है कशिश, जिसके साथ वो रिश्ता हो। मैं के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे याद है उस दिन जब मैं एक पार्क में गिरी थी, सबसे ज्यादा गुस्सा आप हुए थे, लेकिन मैं की सबसे ज्यादा फिक्र आप ही को थी। मैं मानती हूँ पापा कि मैं एक से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन क्या हम जिंदगी भर उसे अपने आप से दूर रखेंगे? आपकी ये सजा किसके लिए? मैं के लिए या खुद आपके लिए? महक ने तो गलती की पापा, लेकिन उसे इस तरह बेसारा छोड़कर क्या आप गलती नहीं कर रहे? महक ने गलती नहीं, गुनाह किया है, और मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इसे हाथ मत लगाना। मेरे किसी चेहरे ने इस पट्टी को बदला है। कशिश का पीछा करना छोड़ दो सुजय। ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, क्योंकि कशिश का पीछा करके ही तुमने उसे पाया है। पास करो सुजय। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर। और कुछ नहीं सही तो कम से कम हमारी दोस्ती का तो ख्याल करो। दोस्ती? तुम दोस्ती की बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मैं कशिश को कितना प्यार करता हूँ, और तुम ये भी जानते थे कि कशिश भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उस सब के बावजूद तुमने उससे शादी की। तुमने जो भी कुछ किया उसे दोस्ती नहीं, धोखा कहते हैं, विश्वासघात कहते हैं। और अब मैं हर रिश्ता भूल चुका हूँ पीयूष, सिवाय एक के, और वो है प्यार का रिश्ता। तुम मुझे गलत समझ रहे हो सुजल। गलत समझता था। अगर मुझे कभी जिंदगी में प्यार और दोस्ती के बीच में से कुछ चुनना पड़ता तो मैं दोस्ती चुनता।
लेकिन कशिश मेरा प्यार नहीं, मेरी जिंदगी है। और मैं जिंदगी के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, मगर जिंदगी नहीं छोड़ सकता। अब मेरा एक ही मकसद है, एक ही मंजिल है, एक ही जज्बा है, और वो है कशिश। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सुजन। तुम ठीक है, अगर तुम्हें दोस्ती नहीं चाहिए तो ना सही, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कशिश अब मेरी पत्नी है। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उसे अपना बनाया है, और अगर तुमने इस पवित्र बंधन को तोड़ने की कोशिश की तब अच्छा नहीं होगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें शादी के बंधन पर इतना भरोसा है तो दिखा दो करके मुझे कशिश से दूर। किसने सोचा था कि एक छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग बन जाएगी। चलो अच्छा है। सूजा, आप तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूं। तुम्हें आराम करना चाहिए सूजा। डोंट वरी संजना, आई विल बी फाइन। संजना बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम आराम क्यों नहीं करते हो? एनीवे, मैं तो यहाँ आई थी तुम्हें थैंक यू कहने। तुम्हारा वो जो ट्रैवल एजेंट फ्रेंड है उससे मैंने पीयूष और कशिश के हनीमून के टिकट्स बुक करवा लिए हैं। तो बस जैसे ही कशिश पग फेरे से लौटेगी वो हनीमून की तैयारी करने लगेगी। इनफैक्ट तुम उन दोनों को हेल्प करो। नो, एक्चुअली तुम आराम करो, और वैसे भी वो दोनों अपने हनीमून के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेक केयर। चलो संजना, हम जाते हैं। लेट्स डू द रेस्ट। जल्दी आना। ओके बाबू, खुश रहो बेटा, जल्दी जल्दी। अब तुम सबको मेरे घर आना होगा। लेकिन दी, हम तो आपके घर पे। मेरा मतलब? मुझे आपका मतलब पता है, हम आपके घर जरूर आएंगे। अच्छा बाबा। अच्छा, घर में सबका ख्याल रखना। चलें कशिश। अरे एक मिनट, हाँ भूल गया था, ये तुम्हारे लिए। पापा ये कुछ बोला नहीं, हक बनता है मेरा। और कशिश के लिए फेवरेट परफ्यूम। पापा मुझे ये बनावटी खुशबू नहीं चाहिए पापा, अपनी महक चाहिए। इस घर की महक, इस घर में। लेकिन आपने बाय बाबा। आज पहली बार मैंने अपनी कशिश का दिल दुखाया है। मैं आपको समझाऊंगा, समझाऊंगा उसे कि जो वो चाहती है उसे क्यों नहीं मिल सकता। महक, जितना तुम उसे याद कर रही थी उतना ही वो भी तुम्हें मिस कर रही थी, इसलिए मैंने वरुण से कहा कि उसे तुमसे मिलवा दे। आपकी महक। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दी। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आपसे मिलने को बहुत मन कर रहा था दी। चलो अंदर चलो। नहीं दी,
वहां ऋषि होगा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? दी, आप सुजल से प्यार करती हैं, फिर आपने पीयूष के साथ शादी क्यों की? दो लोगों का एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होना प्यार नहीं होता महक, दो लोगों का एक दूसरे को समझना प्यार होता है। अगर आप सच में सुजल से प्यार नहीं करती तो इस वक्त आपके आंखों में आंसू नहीं होते थे। तुम ये बात नहीं समझोगी महक, क्योंकि शायद तुम्हें आज भी लगता है कि तुम्हारे और ऋषि के बीच जो था वो प्यार था, लेकिन वो प्यार नहीं, सिर्फ एक खिंचाव था जो आया और चला गया। प्यार खिंचाव नहीं होता महक, प्यार तो जुड़ाव होता है। तो क्या जो आपके और पीयूष के बीच में है वो प्यार है? क्यों की आपने ये शादी दी? मैंने ये शादी भावनाओं में बहकर नहीं की महक, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर की है। जिम्मेदारियां उस इंसान के लिए जिसने हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, जिम्मेदारियां उस इंसान के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, दुनिया की हर खुशी दी, जिन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। पता है मैं और सुजल कभी एक हो ही नहीं सकते थे। सुजल ने मुझे तो अपना समझ लिया था, लेकिन कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। और जहां तक पीयूष का सवाल है, उनसे शादी करने से पहले मैं एक बार दोबारा सोच सकती थी, थोड़ा वक्त ले सकती थी अपने फैसले के लिए। उस तूफानी रात में जब मैंने पीयूष से पूछा कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, उसके लिए मैं जज्बाती नहीं हुई थी महक, बल्कि मैं जानती थी कि मेरे इस फैसले से पापा की परेशानियां कम हो जाएंगी। पापा बदल गए महक, और उसकी वजह तुम हो। तुमने पापा को बदल दिया, तुमने एक ऐसी गलती की जिसका असर वो अपनी बाकी बेटियों पर नहीं देख सके। जो बेटियां उनका गुरूर हुआ करती थी वो आज उनका डर बन गई। मैं पापा को इस हालत में नहीं देख सकती थी महक। मेरी शादी की रात सुजल मेरे पास आया था, उसने अपनी गलती मान ली थी, वो मुझे अपनाना चाहता था। अगर मैं चाहती तो पीयूष से शादी तोड़ के सुजल के साथ जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे इस फैसले से हमारे घर की बदनामी होगी, पापा ये सदमा दोबारा सहन नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं तुम दोनों गलत थे, तुम भी और पापा भी। तुम इसलिए क्योंकि तुमने हमारे घर का विश्वास तोड़ा, और पापा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों को अपना अभिमान समझा, लेकिन उन्होंने ये अभिमान सिर्फ अपनी बेटियों की शादी के जोड़े तक सीमित रखा, उनकी बेटियों के अस्तित्व तक नहीं। तुमने गलती की विश्वास तोड़ के, और पापा ने गलती की कि तुम्हारी गलती को सुधारने की बजाय उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी इज्जत बचाने के लिए कशिश ने इतना बड़ा बलिदान दिया। कशिश, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।